सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारसीदास चंडीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है न्यू दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड मेनली कोएड इंस्टीट्यूट है। कैंपसेस बहुत ही छोटा सा है, जो कि कैंपसेस वन एकर का है। एंड एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ओवरऑल अगर हम बात करें, मेनली आपको जो कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो है एमसीए। फीस इसकी ज़्यादा ही है बिकॉज ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो 4 to 5 lakhs तक की अपनी नॉर्मली फीस होती है फॉर द फुल कोर्स। ये नहीं है कि सिर्फ एक साल की, पूरे कोर्स की आपकी 4 to 4.5 lakhs तक की फीस होती है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बारे में, यहाँ पे एक बच्चे ने बताया, इट इज ग्रेट एक्सपीरियंस और लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी एवरी डे। एक बच्चे ने बताया, अ टेम्पल फॉर लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड इन डेडिकेटेड वे। एक बच्चे ने हमें बताया, डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज बिकॉज उसको हो सकता है कुछ पसंद ना आया हो। देर इज नो जिम, नो स्पोर्ट्स एरिया, नो कैफेटेरिया फॉर स्टूडेंट्स। द कॉलेज मैनेजमेंट विल ऑलवेज सीक मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इन नेम ऑफ प्लेसमेंट यू विल हार्डली गेट वन चांस ऑफ अबव 4.1 PA, और रेस्ट यू विल बी गिवन चांस अंडर 4 PA वगैरह के हिसाब से। Half of teachers do not know how to teach and few of them put their whole efforts. From my point of view, this college is good only in terms of little green tree. And so उसने green tree की images भी provide कर रखी है college में। So yeah, it's a good green tree I should say. तो इससे आपका college मतलब overall in एक अच्छा आपको जगह मिल रही है। बट यस, एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से और भी चीज़ों की नीड होती है जो कि कुछ बच्चों को नहीं पसंद आई। एक और बच्चे ने बोला, डू नॉट गो ऑन कैंपस, ओनली कैंपस इज लुकिंग गुड ओनली इन प्रॉस्पेक्ट, नॉट स्टडी नॉट कैंपस एंड प्लेसमेंट डोंट आस्क। नो कल्चरल एक्टिविटीज, नो कैंटीन, देर इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बट इट ऑलवेज क्लोज आई थिंक फॉर 6। द टीचर टीच, तो बच्चे ने कुछ ऐसी चीज बोली जो कि आप खुद देख सकते हो। द टीचर टीच यू लाइक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू अंडरस्टैंड द स्टडी टू, नॉट व्हाट आई प्रॉमिस्ड। सो बहुत बच्चों को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मतलब ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज बच्चों को नहीं लगा। सो अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स की जाओ तो ज्यादा चीजें नहीं है। अब बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है कि हमें बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, जिम है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स है, लाइब्रेरी है, गेस्ट रूम है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी है, लेबॉरेटरीज हैं, देन ऑडिटोरियम्स हैं, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी है। बट रियल में जो है वो बच्चे फेस करके बताते हैं, बच्चों ने यही बताया है। एंड अब हम इसकी इमेजेस से पता कर सकते हैं मेनली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। तो ये है सबसे पहले ऑडिटोरियम आपका कॉलेज का, देन कैफेटेरिया, ये आपके कॉलेज का कैंपस व्यू। एंड सबसे मेन पता है एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई मतलब बच्चे यहाँ से पास आउट है या फिर इसमें पढ़ रहा है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ताकि जितने भी जो आपके यंगस्टर्स है, जूनियर्स है, वो जाए या ना जाए उनको एक हेल्प मिल सके कॉलेज के लिए। अगला यहाँ की क्लासरूम फैसिलिटीज दिखा रखी है, जिम फैसिलिटी, हॉस्टल, आईटी लैब, लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। सो ओवरऑल अ गुड कॉलेज आई शुड से, क्योंकि फैसिलिटीज ज़्यादा दिखा रखी है। बट हो सकता है इंटीरियर आपको कैसे मिलता है क्या नहीं मिलता, तो उसके बारे में आपको खुद ही पता करना होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। सो तब तक के लिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड जितने भी सीनियर्स हैं, डू लेट द जूनियर्स नो कि उन्हें जाना चाहिए यहाँ पर या नहीं जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।